मुझसे गड़बड़ ये हो गई कि दूध डालने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था इसको पलटा नहीं मारा था, तो उस वजह से थोड़ा सा ये लग गया नीचे। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फंस जा। गुड मॉर्निंग गैग, कैसे हैं आप लोग? देख पर्दे के सामने देख, और देख शीशे में। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य व्लॉग्स। अच्छा कल मेरा बर्थडे था, जो इंग्लिश कैलेंडर होते हैं हमारे उसके अनुसार बर्थडे था, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरा आज बर्थडे है, तो मैं दोनों दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ सही बोले बताया तो कल जैसे कि आपने देखा हम गए थे घूमने, वहाँ भी सेलिब्रेशन हुआ छोटा सा, और आज अभी सुबह पूजा पाठ की मैंने, जो होता है हमारा सिस्टम होता है सुबह उठ के पूजा पाठ करनी थोड़ी बहुत, और बस वही सेलिब्रेशन, तो क्या करें अब घर में सेलिब्रेशन होता नहीं है ज़्यादा, अरे मशीन लग पड़ी वहाँ पे, तो बस आज वही है, कुछ मीठा बनाएंगे, मीठा और बच्चों को खिलाएंगे, बस यही है। तो मैं सोच रहा था गाजर का हलवा बनाया जाए, आज काफ़ी अरसा हो गया गाजर का हलवा नहीं खाया, और आपको भी बताते हैं हम कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा घर पर। कबूतर आ गए। आज का मौसम देखिए गाइस, बहुत बढ़िया सा है, सुबह बहुत ही तेज़ धूप खिली हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो उसकी वजह से मैंने स्वेटर वगैरह निकाल दी है, मैं बैठा था धूप में तो काफ़ी गर्मी हो गई। अब मैं थोड़ी देर में गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दूँगा, अब मशीन चल पड़ी वहाँ पर, आवाज़ आ रही है अजीब सी, चलिए नीचे चलते हैं। ये ले आया हूँ मैं गाजर लेकर, अभी गाड़ी आई थी सब्ज़ी की, और ताज़े ताज़े गाजर है, बहुत बढ़िया गाजर है, तो इसी का बनाएंगे हम लोग। अभी थोड़ी देर में मैं काम शुरू करूँगा, दूध भी हो गया है दूध डालने के लिए, बाकी चीनी वगैरह वहाँ पर है, सब कुछ रेडी है मेरे पास, थोड़ी देर में काम शुरू करूँगा मैं। दो दांत बड़ा झगड़ा मगड़ा दिखता है। इस तरह से कर दिया हमने ये साफ, और अब कश करेंगे इनको। नहीं नहीं सोलर लाइटें लग रही है, सोलर पैनल लग रहे हैं। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फंस जाएगा ये पंखे, ये पंखे खोला ना मारो पहले, वाओ नाइस यार, क्या बात है, आखिरकार सक्सेसफुल, बहुत सारे लगे हैं देखिए, 1 2 3 4 ये तो बड़ी लम्बी से ना। तो सबसे पहले ये देसी घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, कढ़ाई में ही बनाएंगे आज, बोलते हैं कि लोहे के बर्तन में अच्छा बनता है, तो सबसे पहले घी
ये कुछ ज़्यादा हो गया शायद। चलिए कुछ ज़्यादा भी चलेगा, मास्टर शेफ तो है नहीं कि बिल्कुल नपीतुली चीज़ें चाहिए हम लोगों को, थोड़ा बहुत तो चलेगा। देसी घी ज़्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्म करेंगे, बस ये घी पिघल जाए हमारा, बस इतना ही गर्म करेंगे और उसके बाद अपने गाजर डाल देंगे हम सारे के सारे इसमें। अभी जितने गाजर देख रहे हैं आप लोग, ये कम से कम 2 किलो के करीब थे और काट छांट करके मुझे लगता है ये 1 किलो 800 ग्राम तक रह गए हैं। इतने गाजर डाल रहे हैं, इसका आधा रह जाएगा, ये सिर्फ आधा, तो यानी 5-6 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो घी लगभग पिघल गया है, हल्का हल्का धुआं भी निकलने लग गया है। फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, फ्लेम ज़्यादा ना रखें हमेशा ही। गाजर का हलवा बनता है जी धीमे आंच पे हमेशा। ओके जी, अब हम डाल देंगे इसमें अपनी गाजर, ये गर्म होंगे फिर भी इतना गर्म तो होना भी चाहिए। गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है हम लोगों को, और मुझे तो क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा भी लग सकता है। बर्तन छोटा हो गया इसके लिए, लेकिन फिर भी चलिए हो जाएगा, थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, जैसे जैसे इसका पानी सूखता जाएगा ये बैठते जाएंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ ना डालें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही गाजर में हीट लगती है थोड़ी, तो ये गाजर अपना पानी छोड़ देता है। ये देखिए नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो बस इसी पानी से ये पक जाएंगे और इनको सिर्फ पकाना है फिलहाल अभी। सबसे पहले अब कलर भी चेंज हो गया इसका, देखिए अब ये ऑरेंज कलर सा हो गया बिल्कुल ही, पहले लाल लाल सा था लेकिन अब ये नारंगी सा हो गया। अब इसको और पकाना हमने काफ़ी देर। कभी ये हंसाए कभी रुलाए। अब जाके ठंडी ठंडी हवा लग पड़ी है, काफी मजेदार हवा का भी आज काफी मजा आ रहा है। आहा, क्या बात क्या बात। दोस्तों मैंने 2 कड़छी दूध इसमें डाल दिया है और एक मुझसे गड़बड़ ये हो गई कि दूध डालने के बाद मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसको पलटा नहीं मारा था, तो उस वजह से थोड़ा सा ये लग गया है नीचे, हल्का सा ज़्यादा नहीं। ये तो शुक्र है मेरी नाक काफ़ी तेज़ है, एकदम से मुझे स्मेल आ जाती है, तो मैं भाग के आ गया, मैं बाहर बैठा हुआ था। भाग के आ गया और अभी तो ठीक है, वैसे उतना ज़्यादा नहीं लगा लेकिन लग गया था। तो ऐसी गलती आप ना करें, ध्यान रखें इसका, जब भी बनाना होता है गड़बड़ ना हो जाती। बस दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करना है हम लोगों ने, जब तक ये जो इसका दूध नहीं है ये थोड़ा सा और सूख जाए, फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे और जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं आप लोग इसमें। मेरे पास फिलहाल ड्राई फ्रूट नहीं मिल रहा है, मुझे रखे थे मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, मिल नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं डालूँगा फिलहाल, कुछ भी नहीं डालूँगा, सिर्फ मेरे पास थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर है वो डालूँगा, बस हो गया। बस ज़्यादा नहीं, ये पड़ गई जी हमारी चीनी। बस अब थोड़ी देर में हमारा गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा, उसको अच्छे से मिक्स करना है हमने और थोड़ा और सूख जाए ये तो तैयार हो जाएगा हमारा हलवा। अब चीनी डालने के बाद ये भी थोड़ा सा पिघल जाती है, थोड़ा पानी सा हो जाता है दोबारा से, तो उसको ठीक करने के लिए हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे धीमी आंच पे। तो हमारा गाजर का हलवा एकदम से रेडी है,
इसमें मुझे लगता है थोड़ा दूध ज़्यादा पड़ गया है लेकिन चलता है, दूध जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। लेकिन उसको ऐसा होता है कि सुखाना पड़ता है, मैंने सुखाया नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अभी ठंडा होगा उतना ये काफ़ी बढ़िया बनेगा। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे बंद करके, और थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तब खाएंगे इसको मज़े से। ये माता जी के लिए है थोड़ा बिना शुगर का, देखते हैं खाते कि नहीं माता जी। क्या बात है, क्या स्वादिष्ट हमारा गाजर का हलवा बना है जी आज, और मज़ा आ रहा है खाने को। एक प्लेट तो मैंने ख़त्म कर दी है, दूसरी प्लेट चली हुई है, और ईवा भी खा रही है साथ साथ। निर्मात होंगे वहाँ पर बेल्डिंग का कोई काम चला हुआ है। गुन्नू ये देख के डर के आ गई थी, उसको आइडिया नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पे।